बरही थाना क्षेत्र दुलमाहा पंचायत के नई टांड में रविवार को सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों के बीच मारपीट में नई टांड निवासी सिकंदर पांडे का इकलौता पुत्र रुपेश कुमार की मौत हो गई, जिसके बाद सोमवार को आक्रोशित ग्रामीणों ने शव के साथ 10:30 से 12:30 बजे तक नई टांड NH2 सड़क को जाम रखा। इसी बीच जाम स्थल पर DC आदित्य कुमार आनंद, SP मनोज रतन चौथे, बरही कांग्रेस विधायक उमा शंकर अकेला, बरही के पूर्व विधायक सह भाजपा नेता मनोज कुमार यादव, STPO पूनम कुजूर, DSP नजीर अख्तर, बरही BDO सह CO अरविंद देवाशिष्टो को, बरही पुनी सह थाना प्रभारी नीरज कुमार सिंह, सदर इंस्पेक्टर ललित कुमार, इंस्पेक्टर उत्तम तिवारी समेत कई जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक लोग उपस्थित हुए। जाम स्थल पर मृतक के चाचा अनिल पांडे ने बरही थाना को आवेदन देते हुए 27 लोगों को आरोपी बनाया है और उसे अविलंब गिरफ्तारी की मांग की है। पीड़ित परिवारों को उचित न्याय देने की भी मांग रखी गई है। मौके पर ग्रामीणों ने करियादपुर चौक पर मृतक रुपेश की प्रतिमा स्थापित करने की भी मांग की है। साथ ही 50 लाख का मुआवजा के साथ मृतक परिवार को एक सरकारी नौकरी PM आवास की भी मांग रखी है, जिसके बाद प्रशासन ने फिलहाल 20,000 रूपए अंतिम संस्कार के लिए देने की बात कही है। वहीं प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि सरकारी प्रतिक्रिया के तहत जो भी लाभ होगा उसे मृतक परिवार को सहयोग के रूप में दिया जाएगा। स्वदेशवाणी के लिए हजारीबाग से पप्पू कुमार की रिपोर्ट। हम लोग यहाँ से जाएंगे और प्रशासन जो हम लोग को घेर के रखी है, हम प्रशासन से बात करना चाहता हूँ कि आप लोग हम लोगों को क्यों घेर के रखे हैं। हम लोग गांधीवादी तरीके से यहाँ बैठेंगे, तब तक बैठेंगे जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगी। मैं कहता हूँ आप उन 2700 को गिरफ्तार कीजिए, उन 2700 को गिरफ्तार करके डालिए, पब्लिसिट नाम कीजिए और 2700 को अंदर कीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ रोड साफ करेंगे। कितना आदमी पर आरोप लगाए हैं आप लोग? 27 आदमी पर लगाया गया है। अच्छा, गिरफ्तार कितने आदमी का होगा? अंडर एज तीन का हुआ, अंडर एज। कोई ऐसी नहीं, लॉन्चिंग की मामला है। मात्र 20 साल का बच्चा है, एक बच्चा इनका पहले ही खो चुका है, दूसरा बच्चा को मार दिया गया मोम लॉन्चिंग के माध्यम से। अब माँ बाप का क्या होगा, आप ही लोग न्याय कीजिए। जो 3 आदमी का गिरफ्तार है उसमें वो लोग शामिल था कि और मेन मुजरिम जो है जिस मारने वाला है वो गिरफ्तार हुआ है कि नहीं? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, वो अंडर एज अभी है, हमें कोई सरेंडर करवाया गया है। प्रशासन से यह मांगा है कि उन 2700 को पहले गिरफ्तार करे, पहली बात। दूसरी बात, 50 लाख मुआवजे के रूप में इस परिवार को भरण पोषण के लिए और एक नौकरी दी जाए। और झारखंड सरकार मोम लंचिंग की बात करती है, आज मोम लंचिंग कैसे हुई इस पर उसने कानून बनाया है, इसलिए इन 2700 को फांसी की सजा होनी चाहिए। रुपेश पांडे अमर है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।